एपिसोड 662 तारा का डर। अनन्या के मुंह से बंजारन के नाम का जिक्र सुनते ही सुमेर को लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। वो आंखें फाड़ी अनन्या की तरफ देखने लगा। अनन्या ने कहा, ऐसी क्या देख रहे हो जैसे कि तुमने ये नाम पहले कभी सुना ही ना हो। सुमेर ने कहा, तुम अपनी बात खत्म करो। अनन्या बोली, मुझे बंजारन से मिलना है। एक बार फिर सुमेर को शौक लगा। उसने कहा, मुझे तो लगा था तुम मुझे ये कहने आई हो कि मैं उसका हमदर्द ना बनूं, लेकिन तुम तो यहाँ कुछ और ही कह रही हो। अनन्या ने कहा, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी हूँ। तब सुमेर एकदम से बोला, निकल जाओ यहाँ से। अनन्या बोली, क्या कहा तुमने, मैंने कुछ ठीक से सुना नहीं। सुमेर दोबारा बोला, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हें खुद धक्के मार कर यहाँ से बाहर निकालूं तुम चली जाओ। सुमेर का ऐसा बर्ताव देखकर अनन्या ने कहा, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो सुमेर, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ हाथ मिला लो, इसमें तुम्हारा भी फायदा है और मेरा भी। सुमेर बोला, दफा हो जाओ यहाँ से। इतना कहते हुए सुमेर ने अनन्या के बाजू को कस कर पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए वहां से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। लेकिन ये देखकर सुमेर हैरान हो गया कि इतना जोर लगाने के बावजूद भी वो अनन्या को हिला तक नहीं पा रहा था, बल्कि अनन्या आराम से अपनी जगह पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। सुमेर हैरानी से बोला, ये क्या हो रहा है, मैं इसको हिला क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक सुमेर को लगा जैसे किसी ने उसे जोर से धक्का दिया हो। वो एकदम से सीधा जाकर सोफे पर गिर गया। उसके बाद अनन्या आराम से चलती हुई उसके नजदीक आई और उसके बगल में बैठकर बोली, तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी। सुमेर हैरानी से अनन्या की तरफ देखता रहा और अनन्या मुस्कुराती हुई बोली, ये तो बस ट्रेलर था और शुक्र मनाओ तुम सिर्फ सोफे पर गिरे हो। इससे पहले कि सुमेर कुछ कहता, वहां पर हवेली का एक नौकर आ गया। उसने कहा कि सुमेर से मिलने गाँव के कुछ लोग आए हैं, उन्हें कुछ खास बात करनी थी और वो उसका बाहर ही इंतजार कर रहे थे। सुमेर को तो जैसे मौका मिल गया। उसने कहा, ठीक है उन्हें बोलो मैं बस अभी आता हूँ। नौकर जैसे ही वहां से गया, सुमेर हड़बड़ाकर उठ गया और बोला, मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे जाना होगा। इतना कहते हुए वो वहां से फुर्ती से चला गया। उसके जाते ही अनन्या के होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और वो मन ही मन बोली, चलो ये तो हो गया, अब देखते हैं आगे क्या होता है। इतना कहते हुए वो भी सुमेर के पीछे निकली। उसने देखा बाहर वाकई में कुछ लोग खड़े थे। सुमेर जैसे ही उनके सामने गया, वो अपने आप को नॉर्मल करके उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसकी नजर जब अपने पीछे आ रही अनन्या पर पड़ी तो वो घबरा सा गया। लेकिन अनन्या ने बड़े आराम से उससे कहा, ठीक है सुमेर जी, तो मैं चलती हूँ, मैंने जो आपसे कहा है उस पर सोचिएगा, अगर आप चाहते हैं कि सब कुछ सही हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। इतना कहते हुए अनन्या ने वहां खड़े गांव वालों के सामने भी हाथ जोड़े और वहां से बड़े बड़े कदम लेते हुए चली गई। अनन्या जैसे ही हवेली के गेट के बाहर निकली और थोड़ा आगे बढ़ी तो उसने देखा कि वहां उसके इंतजार में पहले से छलावा खड़ा है। छलावा अनन्या के पास आया और बोला, सब ठीक तो है। अनन्या ने कहा, लग तो रहा है। छलावा बोला, लग रहा है मतलब, क्या बात हुई तुम्हारी उससे। अनन्या ने कहा, वही जैसी उम्मीद हमने की थी, बदतमीजी, बहुत सारी बदतमीजी। लेकिन एक बात आज उसके दिमाग में बैठ गई है कि उसके लिए खतरा सिर्फ ध्रुव ही नहीं है, उसको मुझसे भी बराबर का डर रहेगा। वैसे बाकी जो भी हो उसका क्या जवाब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज जो हुई है वो ये कि अब सुमेर मेरी बातों के इर्द गिर्द ही उलझ कर रह जाएगा और इन सब में उसे किसी नए से मिलकर कुछ और प्लान करने का मौका नहीं मिलेगा और ना मैं उसे कोई मौका दूंगी। मैं टाइम टाइम पर सुमेर को ये चीज याद भी दिलाती रहूंगी। छलावा ने कहा, चलो ये तो हो गया। तभी अनन्या बोली, अरे हाँ एक बात और, रूप वहां आई थी। इसके बाद अनन्या ने रूप के साथ हुई बातों के बारे में बताया और आखिर में बोली, अगर रूप मिले तो उसे सारी बातें समझा देना, वैसे मैंने तो इशारा कर दिया था जिसकी वजह से वो इतना तो समझ गई है कि ये सब कुछ हमारे प्लान का ही हिस्सा था, लेकिन उसके मन में कोई डाउट ना रहे इसलिए तुम एक बार उससे बात कर लेना। छलावा बोला, तुम उसकी फिक्र मत करो, मुझे जैसे ही मौका मिलेगा मैं उससे बात कर लूंगा।
पंचायत भवन के नजदीक पहुंचने के बाद छलावा ने कहा, अनन्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं या तुम खुद चली जाओगी? अनन्या ने कहा, अरे नहीं नहीं तुम जाओ, मैं चली जाऊंगी। छलावा बोला, ठीक है तो मैं सारी बातें जाकर ध्रुव को बताता हूँ। अनन्या ने हाँ में अपना सिर हिलाया और छलावा के घर की तरफ चली गई। छलावा जब विक्की के घर पहुंचा तो उसने देखा बाहर ही सीढ़ियों पर तारा और रितु साथ में बैठे हुए थे। छलावा ने उन दोनों की ऐसी हालत देखी तो घबरा गया और बोला, क्या हो गया तुम दोनों को? तुम इस तरह बाहर क्यों बैठी हुई हो? बाकी सब कहाँ है? तारा बोली, कौन बाकी सब? तुम अभी आ रहे हो, विक्की पहले ही नहीं आया। ध्रुव उसको समझाने के लिए गया था लेकिन उसका भी कुछ पता नहीं है। और ना ही इतना कहती हुई तारा ने भीतर की तरफ देखा और बोली, वो घर में है। ये सुनते ही छलावा बोला, क्या बात कर रही हो? बाकी सबका तो ठीक है लेकिन वो कहाँ है? तारा ने कहा, पता नहीं, पहले तो कमरे में थी और फिर एकदम से जैसे कहीं गायब ही हो गई। तभी पीछे से आवाज आई, कौन गायब हो गया? छलावा के साथ रितु और तारा ने भी जब देखा तो उन्होंने पाया कि पीछे विक्की की माँ खड़ी है और उनके हाथ में दो बड़े बड़े थैले थे जिनमें सब्जियां और फल भरे हुए थे। उन्हें देखकर छलावा बोला, आप कहाँ चली गई थी? विक्की की माँ बोली, मैं कहाँ जाऊंगी बेटा, मैं तो बस यहीं कुछ ताजी सब्जी और फल लेने मंडी तक चली गई थी। क्यों, क्या हो गया? और तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? कौन गायब हो गया? रितु एकदम से हड़बड़ाकर उठ गई और उनके हाथ से एक थैला लेकर बोली, ध्रुव गायब हो गया है। फिर विक्की की माँ ने कहा, लेकिन वो तो घर पर ही था, अचानक कहाँ चला गया? रितु ने कहा, वही तो, पता नहीं क्या चलता रहता है, जब से उसका अनन्या से झगड़ा हुआ है उसका कुछ समझ में नहीं आता। वैसे आप ये सब लेकर क्यों आई हैं? विक्की की माँ ने कहा, अरे जब मैं कमरे से निकली तो मैंने देखा तुम और तारा बातों में बहुत ज्यादा मशगूल हो, मैंने सोचा अब बच्चियाँ आपस में बात कर रही है तो उन्हें क्या परेशान करना, और मैं बेचारी बूढ़ी अकेले क्या करती, तो सोचा रसोई में खाना बना लूं। लेकिन रसोई में गई तो देखा कि कुछ सब्जियां भी नहीं थी, फिर मैंने सोचा कि मंडी से ताजी सब्जियां और फल ले आती हूँ, इसीलिए मैं अकेले ही चली गई। रितु ने छलावा की तरफ इशारा किया। छलावा ने तुरंत उनके हाथ से दूसरा थैला ले लिया और रितु के हाथ से भी थैला लेकर बोला, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आप हम में से किसी को साथ ले चलती तो आपको परेशान नहीं होना पड़ता। चलो ठीक है, मैं इन्हें अंदर रख देता हूँ। इतना कहकर छलावा भीतर चला गया। तभी भीतर से छलावा की आवाज आई, इन्हें कहाँ रखूं? रितु ने कहा, रुक जाओ मैं आती हूँ। इतना कहकर रितु भी अंदर चली गई। तारा वहीं सीढ़ियों पर बैठी विक्की की माँ को हैरानी से देखती रही। अचानक वो इतनी तेजी से आकर तारा के बगल में बैठ गई कि तारा को लगा जैसे कोई हवा का झोंका हो। तारा एकदम से चौंक गई और वहां से उठने लगी, लेकिन उन्होंने तारा की कलाई पकड़ी और वापस अपने पास बिठाकर बोली, कहाँ जा रही हो बिटिया, कभी दो पल मेरे साथ भी बैठ जाया करो, मुझे अच्छा लगेगा। जब से मैं आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम मुझसे कुछ कटी कटी रहती हो, क्या बात है, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तारा एकदम से बोली, नहीं 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 तो ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं बस भीतर जा रही थी छलावा और रितु की मदद करने। विक्की की माँ ने कहा, वो सब्जियां रख रहे हैं, उसमें चार लोगों की मदद नहीं चाहिए। वैसे ये मैं क्या देख रही हूँ, आजकल तुम कुछ कमजोर कमजोर सी लगने लगी हो, लगता है खाना पीना ठीक से नहीं खा रही हो। तारा ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आंटी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विक्की की माँ ने तारा के बालों को फिर उसके हाथों को छूते हुए बड़े प्यार से लेकिन इतने तीखे शब्दों में कहा जैसे तारा को उनके एक एक शब्द चुभ रहे थे। वो बोली, तुम्हें कहीं ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा कि धीरे धीरे तुम्हारे शरीर से खून कम हो रहा है? मेरा मतलब ये देखो ना, तुम्हारे हाथ पांव कैसे सूखे सूखे लग रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें अनार पसंद है? मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे ताजे ताजे अनार और बाकी फल लेकर आई हूँ जिनसे खून बनता है, सब तुम्हारे लिए ही लाई हूँ। तारा एकदम से उनसे दूर खड़ी हुई और बोली, मैं चलती हूँ, मुझे जाना चाहिए। इतना कहकर तारा घर के भीतर भाग गई, लेकिन विक्की की माँ वहीं बैठी रही और एकदम से उनकी आंखों का रंग काला हो गया और फिर तुरंत सामान्य हो गया। मुस्कुराते हुए वो उठी और उस पूरे घर पर नजर डालती हुई वो भी भीतर की तरफ चली गई। दूसरी तरफ ध्रुव विक्की को लेकर गांव की तरफ लौट रहा था। रास्ते भर वो उसे समझा रहा था और विक्की की बात उसकी माँ से हो गई थी क्योंकि विक्की अब काफी ठीक नजर आ रहा था। तभी उन्होंने देखा जुल्मी चिल्लाते हुए आ रहा था।
ध्रुव बोला, ये इस तरह से चिल्लाते हुए क्यों आ रहा है? विक्की बोला, पता नहीं, तभी जुल्मी वहां आया और बोला, अरे हम अनन्या जी के पास गए थे खाना देने, लेकिन वो तो हमको वहां मिली ही नहीं, कहीं वो घर तो नहीं आ गई लौट कर। ध्रुव ने कहा, तो तुझे घर जाना चाहिए था, तू यहाँ क्या कर रहा है? जुल्मी बोला, वो हमको डर लग रहा था जाने में, लेकिन जब तुम लोगों को हम यहाँ देखे तो हमने सोचा यही पूछ ले तुमसे। ध्रुव ने कहा, नहीं वो घर तो नहीं आई थी जब तक मैं था, वैसे मुझे भी बहुत देर हो गई है घर से निकले हुए, मैं तो इस विक्की को ढूंढ रहा था, चलो मैं जाकर देखता हूँ। तभी जुल्मी बोला, हम भी चलते हैं। विक्की ने कहा, क्यों अब तुझे डर नहीं लगेगा? जुल्मी अपना सिर खुजलाते हुए बोला, अभी तो तुम लोगों के साथ जा रहे हैं ना। इतना कहकर जुल्मी भी उन लोगों के साथ चला गया। जब तीनों घर पहुंचे तो उन्होंने देखा अनन्या वहां नहीं थी। ध्रुव ने पूछा, अनन्या आई थी क्या? ऋतु बोली, नहीं तो क्यों? ध्रुव ने कहा, नहीं वो जुल्मी कह रहा था कि वो उसे खाना देने गया था तो वो वहां पर नहीं थी। छलावा बोला, हाँ उस वक्त वो नहीं थी, मुझे लगता है जब अनन्या हवेली गई होगी जुल्मी उसी वक्त खाना देने गया होगा। छलावा इतना बोला ही था कि ध्रुव ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रखा और बोला, धीरे बोल। छलावा बोला, माफ करना मैं बस यही कह रहा था कि अनन्या जब थोड़ी देर के लिए वहां नहीं थी इस बीच में जुल्मी गया होगा और उसने नहीं देखा होगा, अब अनन्या आ गई होगी, मैं उसे खुद लेकर आया हूँ। जुल्मी बोला, अच्छा ठीक है तो अब हम उनको जाकर खाना दे आते हैं। तभी ध्रुव ने कहा, सिर्फ तुम दोनों यहाँ हो, तारा कहाँ है? ऋतु बोली, तारा की तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं है, वो रूम में लेटी हुई है। ये सुनकर ध्रुव और विक्की दोनों हैरान हो गए। ध्रुव ने कहा, क्या हो क्या उसको? इतना कहते हुए ध्रुव और विक्की दोनों ही कमरे की तरफ बढ़े। कमरे में उन्होंने देखा तारा नीचे जमीन पर बैठी हुई थी और उसके हाथ में एक माला थी जिससे वो जाप कर रही थी। ध्रुव धीरे से तारा के सामने बैठ गया और उसके सिर पर हाथ फेर कर बोला, तारा। अचानक से तारा चीखती हुई बोली, नहीं छोड़ दो मुझे। फिर ध्रुव ने जोर से कहा, क्या हो गया तारा? तारा ने जैसे ही ध्रुव को देखा उसकी आंखें बंद हो गई और वो बेहोश होकर गिर गई। रुको यार, स्टोरी तो सुन लिया, सब्सक्राइब नहीं किया अभी आपने, वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, क्या कर रहे हो।